आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतने सारे बैग्स का रिव्यू शेयर करूंगी। सारे बैग्स को मैंने इसी बैग में डाल रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ह्यूज बैग हॉल वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैंने काफी अमेजिंग सा बैग परचेज किया एंड इसका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है गाइस। इसका प्राइस जस्ट 140 रुपीज में ये बैग को मैंने परचेज किया है एंड इसकी क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी रिसीव हुई है। तरीके का टेक्सचर मिल जाएगा पूरे बैग में। बैक साइड में भी आपको इसी तरीके का टेक्सचर दिया गया है। आप लोग इसे एज अ शोल्डर बैग की तरह कैरी कर सकते हो। बहुत अमेजिंग लगेगा ये एंड इसको मैंने ब्लैक कलर में परचेस किया। स्टाइलिंग वगैरह के लिए काफी सही लगता है एंड इसमें आपको एक जिप क्लोजर मिल जाएगा एंड जिप की क्वालिटी सही लग रही है मुझे। काफी फाइन जिप है इसमें, आपको काफी सही सा स्पेस मिल जाएगा इस बैग में। इसके अकॉर्डिंग काफी सही बैग आपको मिल रहा है तो आप लोग डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको 2-3 कलर और मिल जाएगा तो आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी पार्टी वियर बैग है। इसमें आपको ऑल ओवर ग्लिटर वर्क का काम मिल जाएगा। फ्रंट पे भी इसी तरीके का वर्क मिलेगा एंड इस तरीके से बैक साइड में भी मिल जाएगा। एंड गाइस, आप लोग इसे एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हो एंड एज अ क्लच भी इसे होल्ड किया जा सकता है। काफी अच्छा लगेगा इंडियन आउटफिट पे अगर इस तरीके का बैग लोगे, बहुत अमेजिंग लगेगा। जो गोल्डन कलर का यूज किया गया है बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है एंड इसमें आपको एक बटन लॉक मिल जाएगा एंड अंदर में आपको काफी अच्छा सा स्पेस भी दिया गया है एंड 180 के अकॉर्डिंग आपको काफी सही बैग मिल रहा है तो डेफिनेटली इसे आप लोग ट्राई कर सकते हो। पीच कलर का बैग ले लो एंड आप लोग का ऑलमोस्ट हर एक आउटफिट में काफी कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड वैसे तो आप लोगों को इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन अवेलेबल है, वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बैग भी काफी इसका कलर बहुत अमेजिंग है गाइस। डिटेलिंग वगैरह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अमेजिंग मिलेगा। बेस्ट पार्ट है कि इसमें जो गोल्डन कलर का यूज किया गया बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है एंड इसमें पर्ल जो ऐड किया है एक एक्स्ट्रा टच ऐड हो जा रहा है एंड इससे इसका बैग का लुक काफी अच्छा लग रहा है गाइस। एंड इसमें आपको जो टेक्सचर दिया गया है ये आपको बैक साइड में भी मिल जाएगा एज यू कैन सी। सो इसका लुक थोड़ा डिफरेंट आता है, नॉर्मली एक सिंपल से बैग जैसा नहीं आता। फिर अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा गाइस एंड स्पेस वाइज तो मेरे को सही लग रहा है ये बैग एंड इसमें जो फैब्रिक यूज किया गया उसकी भी क्वालिटी ओके काइंड ऑफ है। आप लोग एज अ शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हो, एज अ स्लिंग बैग भी इसे कैरी किया जा सकता है। एडजस्टेबल स्लिंग का यही बेनिफिट होता है। इसकी अकॉर्डिंग की टोटली वर्थ इट है। जस्ट 170 रुपीज में मैंने इसे परचेस किया एंड अगर आप लोग ऑनलाइन पे करके परचेस करोगे तो आप लोगों को और भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। सो गो एंड चेक आउट दिस बैग। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी काफी अमेजिंग होने वाला है, डोंट वरी गाइस। ईशो में जब भी मैं स्क्रॉल करती थी ये बैग मेरे को हमेशा पॉप अप करता था, दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेस किया। एंड इसका लुक देख लो, काफी क्यूट लग रहा है, मेरे आउटफिट में काफी कॉम्प्लीमेंट करेगा ये बैग। तो ऑल ओवर इस तरीके का चेकर्ड प्रिंट मिल जाएगा, शेप में आपको ये बैग मिल जाएगा। इसका लुक काफी अच्छा आता है। इस बैग को एज अ स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हो एंड शोल्डर बैग की तरह भी यूज कर सकते हो, बट स्लिंग के जैसे यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो यूज किया गया बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है एंड इसमें भी जिप की क्वालिटी काफी स्मूथ है। इसमें भी आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, आराम से आप अपना फोन, मेकअप एंड ऑल रख सकते हो इसमें। इसको मैंने 170 रुपीज में परचेस किया है। 170 के अकॉर्डिंग ये टोटली वर्थ इट है। ऐसा वेबसाइट पे दिखा था, एज इट इज मुझे रिसीव हुआ है तो 100% रिकमेंडेड है गाइस। सो जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट बैग काफी अमेजिंग होने वाला है। इसको मैंने ज़ुक ब्रांड से परचेस किया है। ज़ुक जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, ज़ुक एक इंडियन ब्रांड है गाइस एंड ये 100% वीगन बैग्स बनाते हैं एंड इनकी क्वालिटी वगैरह बैग की बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की होती है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेलिंग शेयर कर देती हूँ। फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके का बैग मिल जाएगा जो कि काफी प्यारा लग रहा है गाइस। एंड गाइस, इसमें आपको ज़ुक ब्रांडिंग फ्रंट में भी दिया गया है, बहुत अमेजिंग लगता है। इसमें आपको काफी ब्यूटीफुल सा प्रिंट मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है एंड इसमें जो लेदर यूज किया गया है 100% वीगन लेदर यूज किया गया है। काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा एंड इसमें आपको काफी अच्छे तरीके से स्टिचिंग भी प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो इसकी स्टिचिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन की गई है। इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाएगा गाइस एंड इसमें आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट एंड पैटर्न मिलेगा। तो मैं ज़ुक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो इसमें कितना ज्यादा स्पेस है, अंदर से आप देख सकते हो इसमें आपको काफी अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा। अंदर में भी आपको एक जिप क्लोजर दिया गया है एंड इसकी भी क्वालिटी वगैरह आपको काफी सही मिल जाएगी। एज यू कैन सी जो मटेरियल यूज किया गया है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। इस बैग का क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा प्रीमियम है तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है गाइज। अगर आप लोग ये बैग परचेस करना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर इट गाइज एंड मैं आप लोगों के साथ अपने कूपन कोड शेयर कर रही हूँ। ये कोड को अगर आप लोग यूज करके इनके वेबसाइट से परचेस करते हो तो आप लोगों को काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग ये कोड को यूज
ब्राउज करके इनके वेबसाइट से परचेस करना। हर एक आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों के लिए परफेक्ट है। सो गाइज आप लोग डेफिनेटली इस बैग को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट बैग मैंने एक सूटकेस बैग परचेस किया, ये बैग आप लोगों को काफी पसंद आता है तो इसलिए मैंने मीशो से इसको भी परचेस किया है। लाइक पैकेजिंग इसकी काफी सही मिली थी। ये सूटकेस बैग है गाइज, बहुत ही क्यूट लगता है ये सूटकेस बैग, काफी अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा एंड इसमें एक पॉकेट भी दिया गया है। नेट का पॉकेट है इसमें एज यू कैन सी, एंड इसमें आप अपना कॉइन वगैरह एंड मेकअप का थोड़ा सा सामान और फोन वगैरह इजिली रख सकते हो। एंड बैग की क्वालिटी वगैरह टॉप नॉच क्वालिटी में मिल जाएगा एंड इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। एंड अब इसका प्राइस तो और भी अफोर्डेबल हो गया, इसका प्राइस जस्ट 290 रुपीज या 280 रुपीज में मैंने इसे परचेस किया। इस तरीके से स्ट्रैप डिटेलिंग भी प्रोवाइड किया गया एंड स्ट्रैप पे आपको इस तरीके से फॉरएवर यंग ऑल ओवर पूरे स्ट्रैप में लिखा मिल जाएगा। एंड ये काफी कूल एंड स्टाइलिश है एंड बहुत ही ट्रेंडी बैग है गाइस। इस तरीके का बैग ऑल ओवर इंटरनेट पे काफी वायरल हो रखा है। ये बैग काफी कूल लगता है तो डेफिनेटली आप इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी ट्राई कर सकते हो, तो जस्ट गो फॉर इट गाइस। एंड प्राइस इसका सुपर अफोर्डेबल गाइस। आप लोगों को मस्टर्ड कलर का बैग काफी पसंद आता है तो मैंने इस हॉल में भी एक मस्टर्ड कलर का बैग ऐड किया, तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कौन सा ऐड किया है गाइस। बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आपको ऑल ओवर पूरे बैग में मिलेगा। फ्रंट पे थोड़ा छोटा छोटा टेक्सचर दिया गया है, बैक साइड में आपको काफी लाइक थोड़ा बड़ा बड़ा टेक्सचर मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा लग रहा है। साइड में ये थोड़ा प्लेन रहता है एंड नीचे के साइड भी ये प्लेन है। गोल्डन चेन यूज किया है, बिल्कुल भी चीप नहीं है एंड ये बहुत पतला सा नहीं यूज किया गया, काफी मोटा है तो काफी अच्छा लगता है, लाइक काफी रिच क्वालिटी देता है गाइस। ये बैग पार्टी वगैरह के लिए परफेक्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है पार्टी के लिए। एंड इस पे जो ये बकल लगा है वो भी काफी अच्छा लग रहा है एंड ये मैग्नेटिक लॉक है, उसी को कवर करने के लिए बकल यूज किया गया है। एज यू कैन सी काफी स्पेशियस बैग है गाइस एंड इसमें आपको एक जिप क्लोजर भी दिया है, लाइक इसमें कॉइन वगैरह रखने के लिए पॉकेट दिया गया है एंड उसकी भी जिप की क्वालिटी वगैरह बहुत सही है। एंड इसमें जो फैब्रिक यूज किया गया उसकी भी क्वालिटी लाइक सही लग रही है, येलो कलर से है तो बिल्कुल ऑड नहीं लग रहा है। जस्ट 280 रुपीज के अराउंड मैंने इस बैग को परचेस किया एंड इस प्राइस रेंज में आपको डेफिनेटली मार्केट में तो ये बैग नहीं मिलेगा, आप लोग डेफिनेटली इसे मीशो से परचेस कर सकते हो। ब्लैक कलर के आउटफिट को भी काफी कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड आप लोग अगर साड़ी वगैरह के साथ इस बैग को कैरी करना चाहते हो तो भी ले सकते हो, ऑल पर्पस है तो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट गाइज, हाईली रिकमेंडेड है दिस वन। सो गाइज नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ काफी अमेजिंग सा बैग शेयर करूंगी एंड वन ऑफ द बेस्ट बैग होने वाला है इस हॉल का, लाइक इसकी क्वालिटी वगैरह आपको बहुत अमेजिंग मिलेगी एंड ये टोट बैग काइंड ऑफ है गाइज, बहुत ही अमेजिंग से क्वालिटी में आपको मिल जाएगा एंड इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट 250 रुपीज में मैंने ये बैग परचेस किया। फ्रंट में आपको इस तरीके का लाइक लॉक पैटर्न दिया गया है, इजिली ये ओपन हो जाता है, इसका जिप क्लोजर भी मिल जाएगा, इसकी क्वालिटी वगैरह भी काफी सही है, लाइक जिप की क्वालिटी भी काफी आपको सही मिल जाएगा एंड इसमें आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा एज यू कैन सी। इस बैग में आपको काफी कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लाइक ये मैंने डार्क ग्रीन में परचेस किया है, इसमें आपको येलो ब्लैक पिंक व्हाइट एंड बहुत ज्यादा कलर इसमें अवेलेबल है, तो आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। टेक्सचर मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक साइड दोनों मिलेगा, लाइक ऑल ओवर इसी तरीके का टेक्सचर दिया गया है। इस बैग को भी आप लोग ऐसा हैंड बैग यूज कर सकते हो एंड चाहो तो आप लोग ऐसा स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हो, लाइक आगे की साइड से इस तरीके से ऊपर करोगे तो काफी अच्छा लगेगा, बैक साइड में आपको इस तरीके से हो जाएगा। एंड आई लव दिस बैग सो मच, सो जस्ट गो फॉर इट गाइस, हाईली रिकमेंडेड है दिस वन। ये रहा मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, मुझे तो काफी मजा आया। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। एंड मैंने और भी इस तरीके के रिव्यू एंड हॉल वीडियो शेयर किए अपने चैनल पे, तो आप लोग मेरे वो सारे वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। सारे वीडियोस का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिंक कर दूंगी या फिर आपको स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा होगा, लाइक पॉपअप करेगा, तो आप लोग वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।